तुम्हें ज्ञात था कि वो पत्र छाया के हैं, तो फिर क्यों तुमने उनका अपराध अपने सर लिया? जब तुम जानती थी कि परिणाम तुम्हारे विरुद्ध है, तो फिर क्यों तुम मौन रही? क्यों? हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि छाया तुम्हारी सगी बहन है, एक सम्राट की ज्येष्ठ बहन, एक राजकुमारी जिसने एक साधारण व्यक्ति से प्रेम किया है और जो अपने भाई से डरती है। उसे भली भांति मालूम है कि उसका भाई उनके प्रेम को कभी नहीं समझेगा, क्योंकि वो तो इस शब्द का अर्थ तक नहीं जानता। जिसने शासन के लिए अपनी सगी बहन की बलि चढ़ा दी। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं मौन क्यों रही? तो सुनो, मैं मौन इसीलिए रही ताकि छाया जिससे प्रेम करती है उसे केवल इस कारण दंड न मिले कि उसने एक राजा की बहन से प्रेम किया है। मैंने अपना विवाह तो इच्छानुसार नहीं किया, ना ही जीवन में कभी प्रेम मिला है, किंतु जो प्रेम करते उन्हें एक देखना चाहती थी। परंतु मैं भूल गई थी कि दो प्रेम करने वालों का मिलना असंभव है तब जब उनका अपना भाई उनके विरुद्ध खड़ा हो और जो एक पूरी सोच के साथ जीता हो। आओ मेरे साथ। मैं आप सबके समक्ष कुछ कहना चाहूंगा। अभी कुछ समय पूर्व मैंने जो निर्णय लिया था, मैं अब उसे वापस लेता हूं। अब जब सत्य सबके सामने आ चुका है कि मेरी बहन छाया इनसे प्रेम करती है, तो मैं इन्हें मृत्यु दंड से मुक्त करता। साथ ही अब जब यह सिद्ध हो चुका है कि महारानी पर लगाए गए आरोप आधारहीन है, असत्य है, तो मैं उन्हें भी क्षमा करता। रुकिए महाराज, मुझे कुछ कहना है। एक राजा को अपने निर्णय सुनाने के पूर्व विषय के जड़ तक जाकर परीक्षण करनी चाहिए, अन्यथा अन्याय अन्याय भी हो सकता है। आचार्य जी, आप ही बताइए, शास्त्रों के आधार पर कुछ समय पूर्व जो निर्णय सुनाया गया, क्या वो उचित था? आप सत्य कह रही है महारानी, आज का निर्णय बिना तर्क वितर्क के लिया गया। तो मैंने इन्हें जो दंड दिया, इन्हें आजीवन महल का परित्याग करना होगा, अब वो खंडित है। मैंने एक निर्दोष को अनुचित दंड सुनाया, इसके लिए अब मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। पर घोषणा करता हूं कि महारानी जो चाहे दंड मुझे दे सकती है, मुझे वो स्वीकार होगा। आदेश दे महारानी, क्या दंड है मेरे लिए? दंड नहीं, एक अनुरोध है कि मेरे भाई पांडुग्रत को महल में लाया जाए और उनका उपचार यही किया जाए। तो मैं आदेश देता इनके भाई पांडुग्रत को जीवक वैद्य के चिकित्सालय से यहां लाया जाए और उनका शेष उपचार यहीं कराया जाए। मैं एक और घोषणा करना चाहूंगा कि मैं मेरी बहन का विवाह अब राजकुमार से नहीं अपितु सत्यजीत से सुनिश्चित करता। विवाह की तैयारियां प्रारंभ की जाए और शीघ्र ही इन्हें परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। नंदिनी, तुम्हें धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती तुमने मुझे कितनी बड़ी प्रसन्नता दी है। नहीं छाया, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें वही मिला जिस पर तुम्हारा अधिकार है, और वो अधिकार मुझे तुम्हारी वजह से प्राप्त हुआ है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि चंद्र के रूप में तुम्हें भी तुम्हारा प्रेम प्राप्त हो जाए।
बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए। क्या बात है, कुछ ही दिनों में तुम्हारे संबंध काफी अच्छे हो गए हैं लोगों से। वैसे मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी बात याद होगी जो मैंने तुमसे कही थी। चंद्र ने तुम्हें माफ कर दिया है तो क्या हुआ, अब भी तुम्हें उसे दूरियां बनाए रखनी है, ये बात मत भूलना। बाकी तुम तो जानती हो कि मैं क्या कर सकती। क्या कर सकती हो तुम? मैं नंदिनी से कह रही थी कि कल छाया का विवाह है, इसलिए काफी सारी तैयारियां होनी बाकी है, इसलिए वो अभी विश्राम कर ले। बाकी की तैयारियां तो मैं भी कर सकती हूँ। ये उचित कहा तुमने, समारोह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी, पटरानी बिल्कुल ठीक कह रही है, रात्रि बहुत हो गई, मुझे विश्राम करना चाहिए। हाँ आइए महाराज, हम नंदिनी को विश्राम करने देते। बस एक दिन और शेष है, फिर धन भैया मैं आपको मुक्त करवा कर ही रहूंगी। और सत्यजीत का विवाह होने जा रहा है, सभी लोग तैयारियों में व्यस्त रहेंगे। अवसर मिलते ही मैं धन भैया को बंदीगृह से मुक्त कर दूंगी, किसी को ज्ञात नहीं होगा। परंतु तुम ये सब कर तो पाओगी ना? हाँ, उचित अवसर मिलते ही मैं धन भैया को मुक्त करवा लूंगी। नंदिनी, नंदिनी तुमने जो छाया के लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। आज मेरी पुत्री तुम्हारी वजह से प्रसन्न है और यही कारण है कि वो चाहती है कि तुम्हारे हाथों, मेरा मतलब है तुम्हारे और चंद्र के हाथों उसका कन्यादान संपन्न हो। यदि मैं कन्यादान में व्यस्त रही तो फिर मैं भैया को बंदी गृह से मुक्त कैसे करवा पाऊंगी? तुम्हें कोई आपत्ति है? जी नहीं राजमाता, मुझे कैसी आपत्ति? ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, पुष्प लीजिए, गणेश जी का ध्यान कीजिए। गणपति जी के सम्मुख अर्पण कर दीजिए। राजमाता, कन्यादान करने वाला जोड़ा ये आसन ग्रहण करे। चंद्र, नंदिनी आओ, चंद्र के समीप बैठो। पत्रानी मैं हूँ पर चंद्र के साथ नंदिनी बैठी है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें नंदिनी। मैं यदि यहां बैठी रही तो धन भैया को मुक्त कैसे करवाऊंगी? Thank you.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।